लाल बहादुर शास्त्री कहते थे कि जय जवान जय किसान। आज जवान तो है किसान भी है, लेकिन किसान कहाँ है? उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? देख ऐसा है अगर जैसा कि किसान आजकल आत्महत्या बहुत कर रहे हैं, उनके लिए अगर हम कुछ इंश्योरेंस कर सकते हैं उनके लिए, या कोई ऐसा फंड जमा कर सकते हैं कि उनको इमरजेंसी में काम आए, खेती बाड़ी के लिए काम आए। लेकिन गवर्नमेंट खाली बोलती है, आज तक तो खाली पेपर में दिखाया मेरे को, सब लोग मिलकर उसके ऊपर कुछ आवाज उठा सकते हैं, कुछ कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, अपने लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपने बच्चों के लिए अच्छा रहेगा। एक गांव में एक किसान था, अपने मतलब पत्नी और बच्चे के साथ रहता था। एक बार वो 2 साल तक समझो बारिश गिरी नहीं वो गाँव में, तो सरपंच के पास गया। सरपंच को बोला, सरपंच जी 2 साल से बारिश नहीं हो रही है। तो सरपंच जी बोले, चलो भाई तेरे को मैं शहर लेके आता हूँ, वहाँ तेरे को मैं बोरवेल के लिए पैसा दिलाता हूँ, बैंक से लोन दिलाता हूँ। तो बोला कि सरपंच जी मेरे पास तो कुछ नहीं, जमीन का टुकड़ा है खाली, तो क्या करेंगे? एक काम कर, बोलो उसके कागजात लेके आ जा, अपन वो रख के जो है गिरवी रख के पैसे ले लेंगे। तो बोला ठीक है सरपंच जी चलेंगे। वो बेचारा पैसा तो करके 3-4 को जमा करता है, सरपंच के साथ में शहर जाता है, जाके बैंक में बैठता है तो सरपंच जी और पैसा खड़ा रहता है कि भाई बोलिए क्या करेंगे। तो बैंक वाला बोलता है ठीक है भाई तेरे 50,000 रुपये सेंक्शन करता हूँ मैं, बोरवेल खुद जाएगा, बोरवेल खुद रहना नहीं करना नहीं। वो बैंक जाता है कुछ नहीं करेगा। तो बैंक वाले बोलते हैं देखो कागजात रेडी है, तुम्हारा बोरवेल तो खुद चुका तुम्हारे खेत में, जाके तुम वहाँ चेक करो। वो बोलता खुदा नहीं सर, 6 महीने हो गए ऐसी कार्रवाई चलती रही, बैंक वाले उसका जमीन हड़पने के लिए आ गए कि भाई पैसा तो दे रहे नहीं तो मेरी जमीन हम लोग ले लेंगे। तो उसकी बीवी जरा होशियार थी, वो बोले एक काम करते हैं पुलिस स्टेशन चलते हैं बात करें। जाता है पुलिस स्टेशन पे, पुलिस वालों को बोलता है कि हमारा बोरिंग चोरी हो गया, बोरिंग कहा चोरी हो जाएगा। सब लोग आते हैं, बैंक वाले भी आते हैं, देखते हैं बोरिंग कहाँ था, यहाँ खुदा हुआ था, पेपर में देखते नक्शा बनाया हुआ है, यहाँ पर बोरिंग बना हुआ था, अब कहाँ है बोरिंग? सब बोलते हैं अरे बोरिंग चोरी हो गया, पता नहीं चल रहा है कहाँ नहीं चल रहा है। तो एक काम करो, कौन से स्पॉट पे बोरिंग था वो खोद के देखेंगे कि अंदर तो नहीं चलेगा बोरिंग। अब खोदने के लिए पैसा कौन देगा उसके? बैंक वाले भी खोदते 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 तो बोरिंग रेडी हो गया था, तो ये बोरिंग है ठीक है, बोरिंग दिखा मिल तुम्हें अभी मिला बोरिंग, तुम्हें पैसे दे दूंगा बाद में आप लोगों। तो ऐसा होता है, किसानों को जो चीज जरूरत है वो अगर हम प्रोवाइड कर सके अच्छे से, और एक बात कहना चाहूंगा इसी के ऊपर, जैसा कि किसानों को अपन अनपढ़ समझते हैं, अगर हम उनको थोड़ी बहुत समझें तो दे कैन डेवलप गुड थिंग्स फॉर अस आल्सो एंड आवर चिल्ड्रन। आज तो हमको जो खा रहे फर्टिलाइजर ही खा रहे, लेकिन अगर हम ऑर्गेनिक में जाए, जो पहले के जमाने में होता था वो फूड का वैल्यू था, हमारे बॉडी को उसका इफेक्ट पड़ता था कि भाई अपन जो खा रहे हैं अपने बॉडी को लगेगा, लेकिन अभी नहीं मिल रहा है वो। आप देख सकते हैं जैसा कि फ्रूट्स है, एप्पल को केमिकली इफेक्ट करके शाइनिंग दिया जाता है, उससे वैक्स कोटिंग करते हैं, उसी तरह अपने तरबूज में इंजेक्शन देकर उसको कलर किया जाता है। अगर वो अवॉइड कर सके, इसके लिए तो गवर्नमेंट खुद ही बंद कर सकती है वो केमिकल जो बेच रहे हैं मार्केट में, अगर वो बंद कर दे तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी सब होने। लेकिन गवर्नमेंट क्या खाली बंद करने का बोलते हैं कि केमिकल यूज मत करो, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग होते रहता है तो जाएगा कहाँ पर? वो आएगा हमारे पेट में जाने वाला है। तो हो सके उतना अगर हम अपना अवॉइड कर सके चीज़ों का तो करेंगे कि अच्छा रहेगा सबके लिए, और अपने फ्यूचर के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने सबके लिए। थैंक यू।